अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बना रहे हैं चिकन चाउमीन। चिकन चाउमीन के लिए हमें कुछ अज़र चाहिए। चिकन ले लें 1 कप, इसे ऐसे काट लें। और इसमें जाएगी मिक्स वेजिटेबल 1/2 कप, बंद गोभी ले लें 1 कप, शिमला मिर्च 1 ले लें चौकोर काट लें, 2 दरमियानी प्याज चौकोर काट लें ऐसे भी। नूडल्स जाएंगे 1 पैकेट उबाल के, उस पर ठंडा पानी डाल दें ज़रूर। और नमक हसबे ज़रूरत, काली मिर्च जाएगी 1/2 टेबल स्पून, और कॉर्नफ्लावर जाएगा। चिकन में भी डालूंगी मैं 1 कप, चिकन में डालूंगी 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून सॉस में डलेगा। ऑस्टर सॉस थोड़ा चिकन में डालूंगी और सॉस में भी डलेगा। और रेड चिली सॉस जाएगा, सोया सॉस जाएगा, दोनों चीज़ों में। और यखनी है, यखनी भी जाएगी, 3/4 कप है यखनी। तो अब हम बताते हैं कैसे स्टार्ट करना है। चिकन में मैं थोड़ी सी काली मिर्च डालिए, कॉर्नफ्लावर डालूंगी इसमें, थोड़ा सा नमक, ऑस्टर सॉस डालूंगी, हम इसमें डालूंगी हॉट सॉस, सोया सॉस, ये सब डाल के मैं इसे अच्छा सा मिक्स कर लूंगी। मिक्स करके मैं इसे रख दूंगी। ये मैंने इसे मिक्स कर दिया है, ऐसे मिक्स करके 10 मिनट छोड़ दूंगी। यह मैं फ्राई पैन गर्म कर रही हूँ, इसमें डालूंगी ऑयल, ये हमारा ऑयल गर्म हो गया है, इसमें मैं डालूंगी प्याज। बस प्याज, ऑयल अच्छा गरम है हमारा, प्याज डाल के मुझे बस उसे निकालना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। ये हो गया, मैं निकाल, और इसी ऑयल में मैं शिमला मिर्च भी तल लूँगी। बस ये भी हम इसमें कर लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं तलना है, कलर ख़राब नहीं करना है, पकाना नहीं है, हमें हल्का सा फ्राई करना है। देखिए ये हमारी हो गई है, मैं ऐसे भी निकाल लेती हूँ। ये हमने शिमला मिर्च निकाल दिए, इसी ऑयल में मैं डालूंगी चिकन। चिकन डाल दूंगी, इसे तेज आँच पे हम कर लेंगे फ्राई। बोनलेस चिकन है, बहुत जल्दी गल जाती है ये।
देखिए चिकन हमारा हो गया, इसमें मैं डाल दूंगी मिक्स वेजिटेबल, ये भी हो जाएगी इसके साथ साथ। इसमें तेज आंच पे कर लूंगी, मिक्स कर दूंगी। ये मैंने अच्छा सा मिक्स कर दिया इसे। अब मैंने जो शिमला मेरा जो प्याज फ्राई की थी वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। इसको मिक्स कर दूंगी। ये चिकन यखनी है तो थोड़ी सी है, इसमें मैं डालूंगी कॉर्नफ्लावर 1 टेबल स्पून, थोड़ा सा मस्टर्ड सॉस, इसको अच्छा सा मिक्स कर दूंगी। थोड़ा सा हाफ सॉस डालूंगी इसमें। ये मर्जी डाले नहीं डाले हॉट सॉस। थोड़ी सी काली मिर्च और नमक भी डाले इसमें, अच्छे से मिक्स कर दें। अब मैं इसमें डाल दूंगी नूडल्स, देखिए हमने अच्छा सा मिक्स कर दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी जो मैंने यखनी वो बनाया था, इसको बना के थोड़ा सा मिक्स कर दूंगी और तेज़ आंच कर दूंगी ताकि थोड़ा सा गाढ़ा रहे। हो गया, देखिए हमारा रेडी है। अब मैं इसे बस डिश आउट करती हूँ। ये देखिए नाज़मी हमारा रेडी है और ये मैंने निकाल लिया है। आप इसके ऊपर चाहे तो आप ओरिगानो डाल सकते हैं, थोड़ा सा छिड़क दें इसके ऊपर, थोड़ा सा हाफ सॉस डाल लें ऊपर से। बस ये हमारे रेडी है। आप भी बनाएगा बताएगा कैसा लगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय वीडियो, दुआ में याद रखिएगा। और आप इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।